विश यू ऑल द सेम, आप सभी को गणपति बाप्पा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके आने की सारी खुशियां, आप सभी के परिवार में पॉजिटिविटी आए और बाप्पा बहुत सारा प्यार, स्वास्थ्य और सब कुछ लेकर आज आपको चाहते हैं। मैम, इस बार की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो किस तरह से इस बार की प्रिपरेशन रही है? प्रिपरेशन वही है, इनफैक्ट जब ऑनेस्टली जब अनुपमा नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, तब बहुत प्रिपरेशन, इन द सेंस मार्केट जाना, रात को दादर जाना, वहाँ पर से कंठी खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, बिकॉज आई ग्रोन अप इन मराठी कल्चर। और मेरे घर में गणपति जी आए हैं इस बार, इट्स बीन 34 ईयर्स, 34 साल से, इट्स 34th ईयर, और वही भटजी हैं। तो अभी पहले भटजी आते थे, वो अभी जैसे हमारा पुराना बिल्डिंग है तो ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते, तो उनकी बहू आती है और भटजी होते वीडियो कॉल पे। सो थिंग्स हैव चेंज, इट्स बिकम मॉडर्न एंड बट 34 ईयर्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। पहले पापा लेकर आते थे और मैं और मेरा भाई छोटे छोटे, हम लोग साथ साथ में चलते थे पीछे, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया करके। फिर बाद में मेरा पापा बीमार पड़ने लगे, मेरा भाई और मैं उठाने लगे मूर्ति को, भाई कनाडा चला गया, फिर मैं लेकर आती थी, फिर यू नो, एंड देन लास्ट में देन अगेन माई ब्रदर एंड मी वर देयर, एंड आफ्टर पापा इज़ गॉन, देन आज मेरे बेटे ने पहली बार पूजा की घर में, तो ही डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मम्मा इट्स माई फर्स्ट टाइम, मम्मा सॉरी आई एम रुद्रांश, हरी अप, ही इज़ लाइक मम्मा सॉरी आई एम स्लो, बट इट वॉज़ वेरी स्वीट, इट वॉज़ लाइक वेरी हार्ट वार्मिंग, एक माँ के हिसाब से अपने बच्चे को यू नो वही ट्रेडिशन आगे बढ़ाते थे, और मेरा भाई भी था उसके साथ, ऐसा नहीं, बट देन द होल फैमिली इज़ लाइक ओके नाउ रुद्रांश इज़ डूइंग इट, सो हाउ थिंग्स चेंज एंड इट्स ब्यूटिफुल। एंड अनुपमा में इस बार 4th साल है गणपति का, तो मेरे घर के गणपति और ये घर के मेरे ये गणपति, तो मेरे दोनों घर में गणपति आते हैं, एंड इट्स ब्लेसिंग कि वो हमें सेवा करने का मौका देते हैं, और क्या ही कहूँ। मैम, एज यू सेड, इट्स बीन 34 ईयर्स, तो अगर यू नो अभी जैसे इस बार आपके बेटे ने पूजा किए हैं, तो ऐसी ही कुछ रिचुअल्स में चेंजेस आती गई है, कितनी चेंजेस आई है? मॉडर्न ज़माना हो गया है, है। मंत्र वही है, पूजा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लोग चेंज होते गए हैं, पूजा करने वाले जो लोग हैं वो चेंज हो, हमारे भटजी भी वही है, मतलब बिकॉज मम्मी इज़ अ महाराष्ट्र एंड वी बीन ऑलवेज गेटिंग द शादू माती का मूर्ति, एंड आई हैव टू शो यू द मूर्ति दैट यू नो इस बार हमारे घर में आई है, इट्स ब्यूटिफुल, आई एम सॉरी वन सेकेंड, दैट्स द मूर्ति, दैट्स द मूर्ति, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट आई पोस्ट इट एंड देन यू कैन प्रॉब्ली सी इट। एंड हमेशा बाल रूप और कृष्णा रूप में ही मेरे घर में पापा का आगमन हुआ है, 34 साल से हमारे पापा तो बड़े हुए नहीं, हमारे तो उनसे छोटे से ही है, नथिंग हैज चेंज, ओनली थिंग पूजा करने वाले चेंज हुए, सेम थिंग एवरीथिंग, मतलब वो जो पहले दिन का मेन्यू है, खिचड़ी, लाबड़ा, पायश, बैगन भाजा, यू नो टमाटो चटनी एंड ऑल दोस, द बंगाली फूड ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज़ द सेम, दैट डजंट चेंज, मम्मी स्टिल मेक्स पायश, ओनली थिंग खिचड़ी आई मेड टुडे, देन मासी मोदक बना के लेकर आती है, फिर चूरमा लड्डू बनते हैं घर में, सो ऑल दीज थिंग्स, जो पहले दिन का मेन्यू है वो वही रहता है और 34 साल से वो वही रहा है, बदला नहीं है, सो अभी भी घर में सब लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पर हूँ। मैम, देश साथ की अगर बात करें तो किस तरह का आपका दिन होता है स्पेशली ऑन गणपति, क्योंकि आपको 4 साल से तो आप यहाँ पर भी आ रहे हो, ऑन सेट भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या कहना चाहूँगे? मैं घर में खाना वाना बना के वर्सोवा में, उसके बाद वर्ली जाती हूँ, सब खाना वाना सब कुछ लेके, क्योंकि हमारा तो वैसे वही छोटे चूल्हे वाले किचन होता है, वैसे फैंसी वैंसी किचन नहीं है, तो आधा खाना मेरे यहाँ बनता है, आधा वहाँ बनता है, इस बार 80% मेरे यहाँ बना, मम्मी ने 20% बनाया, और वहाँ जाके फिर दन फिर अब ये रिचुअल चला कि 4 साल फिर अनुपमा के सेट पर आना, फिर घर जाके वापस भोग चढ़ाना, लेकिन इस बार ये था कि मेरी शूट थी आज, पहली बार गणपति के दिन आई एम शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सो आई हैड टू कम हियर, पूरा वहाँ ख़त्म करके, भोग ख़त्म करके, देन आई हैड टू कम हियर, विच इज़ वाई देन आई एम अ लिटिल लेट, सो या। द लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड आई वोंट कॉल देम माय फैंस, आई वुड कॉल देम ऑल द पीपल हु हैव मेड मी अनुपमा, ऑल द पीपल हु हैव गिवन मी सो मच लव, दैट चाहे कभी कुछ थक जाती हूँ, कभी कुछ बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ होता है, लेकिन आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे हिम्मत देता है जाके वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होकर पुट इन माय
best, you know, do my 100%. And thank you so much, Anupama को इतना प्यार देने के लिए, Anupama के साथ बने रहने के लिए. शोज में अलग अलग स्टोरीज आती हैं, ट्रैक्स आती हैं, कुछ ट्रैक्स हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद आते हैं, लेकिन हर वक्त अनुपमा के साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का. एंड जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर सब मिलते हैं लोग, और ऐसा लगता है ये सब मेरे लिए ही है, विश्वास नहीं होता, लेकिन बस मुझे इस प्यार की आदत डालने के लिए थैंक यू आप सभी का. थैंक यू. प्लीज़ अनुपमा देखते रहिए. मौर्या मंगलमूर्ति मौर्या.